नमस्ते, वेलकम टू द पीपल फार्म हेल्पलाइन। मेरा नाम शाइनी है और आज हम डॉक्टर गुलशन के साथ रेबीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो डॉक्टर गुलशन, रेबीज होता क्या है? देखिए, रेबीज एक वायरल डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती रहती है एनिमल्स में, और ये मेनली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये फैलता कैसे है? देखिए, रेबीज एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब कि ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होगा। अब फैलने की बात आई, अब इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेबीज़ किन किन एनिमल से फैलता है। प्राइमरीली हम सब लोग जानते हैं कि डॉग्स में रेबीज़ के केसेस ज़्यादा आते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि काउज़ में है। तो जनरली जो वाइल्ड स्पीशीज़ है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे मंगूज़ हो गया, इवन मंकीज़, स्कंक्स, इनमें रेबीज़ वायरस होता है, तो ये भी इस वायरस के कैरियर कहलाते हैं। तो डॉक्टर गुलशन, क्या रेबीज इंसानों में भी फैल सकता है? जी बिल्कुल, ये इंसानों में भी फैल सकता है, और ये इतना डेडली वायरस होता है कि अगर एक बार आपके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो गए और आपने वैक्सीनेशंस नहीं करवाई होंगी खुद की, तो ये अनट्रीटेबल कंडीशन हो जाती है। और इससे बचने के लिए आप प्री बाइट वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। रेबीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? रेबीज़ के मेनली दो टाइप के सिम्टम्स आते हैं। पहला सिम्टम, आपका जो पेट डॉग है फ्यूरियस हो जाएगा। सेकेंड सिम्टम, कई बार कुछ डॉग्स डल एंड डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आफ्टर बाइट डॉग्स में सडन बिहेवियर चेंज आता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है बाकी, वो हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रेबीज़ वायरस है वो पेट्स के नेक के मसल्स को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि वो किसी शेडी प्लेस या ठंडी जगह पे बैठेंगे और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे वो भागेंगे, बाइट करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे कोई ऐसा जानवर दिखता है जिसमें रेबीज़ के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको ऐसा कोई जानवर मिलता है, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि रेबीज़ का ख़तरा आपको भी है। उसके बाद नियर बाय वेटनरी हॉस्पिटल पे कॉल करिए। अगर आपको ज़रा सा भी सस्पेक्ट है, उनको इन्फॉर्म करिए, वो आके उस डॉग को वहाँ कैच कर लेंगे। उनके पास अपने सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड सेफ्टी मेथड्स होते हैं, उनको फॉलो करके वो इजीली रेबिट डॉग को पकड़ लेंगे। अगर मुझे किसी ऐसे जानवर ने काट लिया है जिसे शायद रेबीज़ हो, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ है कि जो बाइट वूंड है उसको आपको क्लीन करना होगा। क्लीन आप मेनली कॉस्टिक सोप से करिए, फिर उसके बाद जो वो वूंड है उसको ओपन रखिएगा। जो ये रेबीज़ वायरस होता है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही डेड हो जाता है। तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हमारे डॉग ने हमें सिंपल स्क्रैच कर दिया है या किसी स्ट्रे डॉग ने सिंपल स्क्रैच कर दिया है, तो उनको रेबीज़ होने के चांसेस हैं या नहीं हैं? तो उसमें बड़े कम चांसेस होते हैं। अगर बाइट वूंड इतना ज़्यादा है कि वो आपके मसल्स में पेनिट्रेट कर गया है, उसका सलाइवा चला गया है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रेबीज़ का ख़तरा हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि अपनी पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो भी लोग एनिमल फीडर्स हैं या एनिमल ट्रीटमेंट्स करते हैं या एनिमल के आसपास रहते हैं, तो वो अपनी प्री बाइट वैक्सीनेशन ज़रूर करवा के रखिए। थैंक यू डॉक्टर गुलशन फॉर द इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको आपके पेट से रिलेटेड या एनिमल केयर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप डॉक्टर गुलशन से ज़रूर पूछ सकते हैं हमारे कॉमेंट्स में। थैंक यू।